उत्तराखंड में गुरुवार सुबह के समय मसूरी देहरादून रोड भट्टा गांव के नजदीक एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। कार में 3 युवक और 3 युवतियां सवार थीं। ये लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, फायर सर्विस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने खाई में गिरे 6 लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें 108 एम्बुलेंस के माध्यम से देहरादून के दून अस्पताल भेजा गया। मसूरी पुलिस के SI राजकुमार बरमोला ने बताया, देहरादून में सुबह करीब 5:30 बजे के समय कार से 3 युवक और युवतियां मसूरी की ओर आ रहे थे। भट्टा गांव के पास मोड़ पर इनकी कार अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित कार सड़क किनारे पैराफिट को तोड़ते हुए नीचे खाई में जा गिरी। कार में सवार भवानी सिंह पुत्र राम सिंह निवासी नरेंद्र नगर उत्तराखंड, दिलीप सिंह, गिरीश सिंह मोना पुत्री कविराज, सपना मीना निवासी नेपाल, ये लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। SI ने कहा कि सभी घायलों को रेस्क्यू करके 108 एम्बुलेंस से देहरादून अस्पताल भेजा गया। उन्होंने कहा कि दुर्घटना की जांच की जा रही है। दुर्घटना की सूचना घायलों के परिजनों को भी दे दी गई है। मसूरी फायर स्टेशन इंचार्ज धीरज तड़ियाल ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही वो फायर सर्विस के जवानों के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस स्थानीय लोगों और 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों की मदद से खाई में गिरे 6 घायलों को खाई से निकाल पाई। उन्होंने बताया कि सड़क काफी चौड़ी है, लेकिन कार तेज स्पीड में रही होगी, इसी कारण कार चालक मोड़ पर वाहन से नियंत्रण खो बैठा और कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। उन्होंने बताया कि पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।